नीमच के रोटरी क्लब के सेवा कार्यों का गौरवशाली इतिहास रहा है। नीमच में रोटरी क्लब के ऊर्जावान सदस्य पिछले 50 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए नेत्रदान, देहदान, रक्तदान और अन्य क्षेत्रों में अपनी खास भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बात विधायक दिलीप सिंह परिहार ने रोटरी क्लब नीमच के 2024-2025 की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में रोटरी हॉल में कही। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनीश मालिक ने कहा कि जो नए लीडर पैदा करता है वह असल लीडर होता है। ऐसी लीडर सिर्फ फलदायक परिणाम देती है। हमें अपने सेवा प्रकल्पों के लक्ष्यों को हासिल करना है। रोटरी के नवनियुक्त अध्यक्ष शरद जैन ने कहा कि मैंने 365 दिन के लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। टीम के साथ सच्ची सेवा भावना से हर प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। इनरविल के नवनियुक्त अध्यक्ष तृप्ति दुआ ने कहा कि मानव सेवा की जो शपथ ली है उसके अनुसार हर एक के लिए बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए कार्य करूंगी। मेरे सेवा काल का सफर मेरे पद चुनने की छाप छोड़ जाए, ये मेरा लक्ष्य है। रोटरी क्लब नीमच के अध्यक्ष रूप में शरद जैन, सचिव यजुर्वेद एस भाटिया, कोषाध्यक्ष विपिन कटारिया और अन्य पदाधिकारियों ने समारोह में शपथ ग्रहण की। इनरविल क्लब अध्यक्ष के रूप में तृप्ति दुआ, सचिव कीर्ति ढींगड़ा, कोषाध्यक्ष कुसुम कदम और एडिटर अमरजीत छाबड़ा ने शपथ ली। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सुनील सरावगी, रजू अहमद और दर्शन सिंह गांधी भी मंचासीन रहे। शपथ ग्रहण समारोह में पदाधिकारियों द्वारा रोटरी पिन और कालर का आदान प्रदान किया गया। संचालन प्रवीण शर्मा ने किया। सबसे पहले तो बता दूं कि जो आज संकल्प लिया गया है वो रोटरी क्लब ऑफ नीमच की टीम का संकल्प है और मुझे इन्होंने शपथ विधि अधिकारी के रूप में बुलाया। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि इतने जिस क्लब का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, 51 साल उन्होंने सेवाएं इस नीमच क्लब के माध्यम से नीमच जिले को दिए। मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। डीजी होने के नाते आपने क्या टारगेट रखा? मैंने मेरी थीम का नाम दिया है टीम जोश, और जोश मतलब बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाने का इशारा करता है। और हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम 365 दिन पूरे जिंदा दिली से जिए और एक एक पल का आनंद लें और हर पल खुशियों का ऐसा एक माहौल पूरे प्रदेश में क्रिएट करें ताकि हम हर एक एक मानव सेवा का जो बड़ा हित है, जो रोटी चोसता है, वहाँ तक हम पहुँच पाए। 24-25 के लिए सही नहीं आ रहा अपना शपथ लिए, वॉइस ऑफ एमपी की ओर से आपको बढ़ाइया, किन उद्देश्यों आ जाओ आ जाओ। मेरा एक ही लक्ष्य है, नीमच शहर में मैंने जो मैंने पूर्व में भी आपके इंटरव्यू में लिया था कि जो आज हम भोजन करते हैं और बच जाता है उसको सेव करके गरीबों तक पहुंचाना। दूसरा, हमारा अभी 1 जुलाई को प्रकल्प शुरू होगा, वो ब्लड डोनेशन का रहेगा, हम अधिक से अधिक उसमें ब्लड डोनेट करेंगे। 7 जुलाई को हम रोटरी भवन बिल्डिंग पर ही पौधारोपण वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम रखेंगे और यहाँ पर 7 जुलाई से हम निःशुल्क पौधारोपण पौधे वितरित करेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। और ऐसे कई प्रकल्प हैं जो 365 दिन के मैंने प्रकल्प बना रखे हैं, उन प्रकल्प में निरंतर लगा रहूँगा। मैंने हर मंथ का जुलाई, अगस्त, सितंबर से लगा के जून तक के मैंने सारे प्रकल्प खाली करके हमारे को डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उन प्रकल्पों को करना होता है तो उनके आधार को देखते हुए मुझे 24-25 के लिए इनरविल का अध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए इनरविल सदस्यों के बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे सेवा का जो अनुभव अवसर दिया है। मेरी कोशिश रहेगी मुझे जो गोल्स एसोसिएशन से मिले हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूँगी और इन्हीं उसके साथ पूरा सेवा का प्रकल्प जारी रहे।